सो ही माई क्यूरीज, तो आज मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि रेनबो पेन होल्डर बनाओ, आपको यहाँ स्क्रीन में शो कर रहा होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और मुझे नहीं पता कि जब ये आया था मैंने देखा ही नहीं था, फिर जब अभी इतने दिन हो गए तो तब मैंने देखा कि किसी ने ऐसे कमेंट किया, क्योंकि मेरे लेटेस्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया ही नहीं था, ओल्ड वीडियोज़ में किया था, तो दैट्स द रीज़न। सो मैं यहाँ पे एक ये जो अमूल मेट का आता है ना, ये मिठाई मेट क्या है मुझे पता नहीं, ये मेरी मम्मा लाई थी और ये ऐसे वेस्ट पड़ा हुआ था मेरे कबाड़ वाले एरिया में, तो मैंने सोचा कि चलो इसी से कुछ करते हैं। तो मैं यहाँ पे आर्टिस्ट जेसो ले रही हूँ और इसकी मैं यहाँ पे दो कोटिंग कर दूँगी और थोड़ी देर में ये सूख जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। और उसके बाद आप देख लो, ये 10-15 मिनट के अंदर ये पूरा ड्राई हो चुका है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ मास्किंग टेप, इसे हमें उसके किनारे किनारे पर लगा लेना है। और आज की वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि बहुत इजी वे में आप बना सकते हो इस तरह का कोई भी पेन होल्डर, ब्रश होल्डर और कोई भी चीज़ अपने सामान रख सकते हो इससे में, तो ज़रूर से इसे रिक्रिएट करना और मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपने रिक्रिएट किया था इसे। सो सबसे पहले इसको इस तरीके से लगा लूँगी, साइड साइड में लगाना है, बीच में थोड़े एरिया छोड़। तो आप यहाँ में देख सकते हो, अभी मैं अपने एक्रेलिक कलर्स ले रही हूँ, आप चाहो तो नॉर्मल वाटर कलर्स भी ले सकते हो लेकिन वो पानी से धुल जाता है, इसलिए आप एक्रेलिक कलर ही लेना। और फिर मैं यहाँ पे ना लिटिल बिट पेस्टल कलर्स में इसको बनाऊँगी, नॉट पेस्टल बट थोड़ी सा मैंने सोचा तो पेस्टल बनाऊँगी लेकिन मुझसे बना ही नहीं, तो इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया। तो यहाँ पर मैं रेनबो ही थीम बना रही हूँ क्योंकि उन्होंने कॉमेंट किया था कि रेनबो बनाने, सो इसलिए बना रही हूँ मैं। और इसे बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं मॉर्निंग के टाइम वीडियो एडिट करती हूँ, तो इसलिए ब्रेकफास्ट बन रहा होता है, भैया पढ़ाई कर रहे होते हैं तो इसलिए आवाज़ होता है। उसके बाद मैं सारा उसमें कोट कर लूँगी और जब ये कोट हो जाए तो इसे भी थोड़ी देर के लिए ड्राई होने रख दूँगी, और फिर जब ये ड्राई हो जाए तब मैं मास्किंग टेप रिमूव करूँगी। और जैसे कि आपको पता है मैंने खाली दो कोटिंग की थी जैसों का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़े थोड़े एरिया में मतलब ये है, मतलब छूटा हुआ है जैसों का कोट। सो मैं वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज़ करके उसे मतलब रिमूव कर दूँगी, मतलब उसे पूरा। तो मैंने यहाँ ब्लैक कलर को रेडी कर लिया है, मतलब अपने पैलेट पे डाल लिया है। उसके बाद अब मैं इसमें मैं कोट कर लूँगी एंड इसको मैंने अच्छी तरीके से पूरा कोट कर लिया है। आप चाहो तो कोई और कलर भी लगा सकते हो, जस्ट लाइक ग्रे, अगर आपको वाइट ही रखना था वाइट उसके ऊपर से लगा सकते हो। देन मेरे को इसकी ब्यूटी इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाफ कट बीट्स, आप चाहो तो नॉर्मल बीट्स भी लगा सकते हो लेकिन हाफ कट बीट्स थोड़ा अच्छे दिखता है, मतलब उठा उठा दिखता है ये, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसमें हाफ कट बीट्स लगाऊंगी। और मैंने ऊपर नीचे दोनों साइड लगाने में मुझे हाफ एन आवर्स का टाइम लग गया, मतलब हाफ एन आवर नहीं, मतलब हाफ आवर्स का टाइम लग गया। उसके बाद यहाँ पर मैं मेरे घर पर पड़ा हुआ था ये कुछ डिफरेंट टाइप के ये मिरर्स, तो मैं उसको यहाँ पे फ्लावर टाइप में लगा दूँगी कि ये थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखे। तो ये देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक राउंड मिरर के पीछे ग्लू लगा के इसे स्टिक कर दूँगी एंड देन फिर डायमंड मिरर्स जो हैं उसे मैं रख दूँगी। और सच बताऊँ ये डायमंड मिरर मेरे कपड़े से निकला हुआ है, तो चलो आप देख लो इसका फाइनल लुक।